नमस्कार दोस्तों, पीआरबी हिंदी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक और नया टिप देखेंगे। अगर आप इस टिप को या ट्रिक को जान जाएंगे तो आपके काम करने के तरीके में और जो आपके अगर डेटा एंट्री रिलेटेड पर्टिकुलर अगर कोई काम होता है तो उसमें एफिशिएंसी और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि ड्रॉप डाउन लगाने की। तो आप एक्सेल में ड्रॉप डाउन कैसे लगा सकते हैं ये पहले ही सीख चुके हैं, तो आज की वीडियो हम ये देखेंगे कि डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन या मल्टी लेवल ड्रॉप डाउन कैसे लगाते हैं। तो शुरू करने से पहले ये समझ लेते हैं कि हम डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन किसको बोल रहे हैं या मल्टी लेवल ड्रॉप डाउन किसको बोल रहे हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे एक डेमो देख सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे स्टेट को सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे जो सिर्फ उसी स्टेट के बाकी जो डिस्ट्रिक्ट हैं या बाकी सिटीज हैं वो आएंगी, ना कि सारे सिटीज आएंगी। तो ये हमें हमारे काम के इन्वायरमेंट में, या आप मान लीजिए किसी तरीके का डेटा मेंटेन करते हैं जहाँ पे कैटेगरीज हैं या इस तरीके के केस में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। तो चलिए ड्रॉप डाउन लगाने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो कि आप जानते हैं, जो कॉमन है, इससे पहले कि काफ़ी वीडियोज में आप देख चुके हैं ड्रॉप डाउन लगाना कैसे है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे स्टेट का ड्रॉप डाउन लगाना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे जैसे कोई भी एक्सेल है, उसके बाद आप डेटा टैब में जाएंगे। डेटा टैब में जाने के बाद आपको डेटा टूल्स के अंदर डेटा वैलिडेशन वाले मेन्यू को चूज करना है। डेटा वैलिडेशन जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, डेटा वैलिडेशन, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे डेटा वैलिडेशन का बॉक्स आएगा। ये हम पहले भी कर चुके हैं तो इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। यहाँ पे हमें लिस्ट सेलेक्ट करना है और लिस्ट का सोर्स जो है, सोर्स में जो हमारे हेडर में जो वैल्यूज हैं या जो हमें यहाँ दिखाने हैं, सिर्फ हम उस रेंज को लेंगे। और अभी आप रेंज देख रहे होंगे एब्सोल्यूट ओके आ रही है, तो हमें एब्सोल्यूट ही चाहिए, इसको ओके करेंगे। अब इसी को अगर आप बाकी नीचे फिल करना चाहते हैं तो आप सिंपली इस सेल को कॉपी करके बाकी जो भी आपकी सिलेक्शन है यहाँ पे आप पेस्ट स्पेशल और सिर्फ वैलिडेशन चूज करेंगे, तो आपका सिर्फ वैलिडेशन ही वैलिडेशन चूज होगा और सभी में ड्रॉप डाउन आ जाएगा। मैं एक बार के लिए इसको हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि हमें देखने में आसानी हो और हम ये समझ पाए कि ये डेटा हमारा स्टेट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब हमारी नीड क्या थी कि जैसे ही हम यहाँ पे मध्य प्रदेश सेलेक्ट करें तो सिर्फ जो ये सिटीज हैं ये सेलेक्ट करने के लिए आने चाहिए, यहाँ पे इसके अलावा उत्तर प्रदेश के या महाराष्ट्र के सिटीज नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें डेटा वैलिडेशन में ही एक और ड्रॉप डाउन लगाना पड़ेगा। लेकिन अब उसको लगाने से पहले हमें यहाँ पे थोड़ा सा इसके ऊपर काम करना है। अगर आपने इससे पिछली वीडियो देखी होगी तो वहाँ पे हमने नेम्ड रेंजेस के बारे में बात करी थी, जो कि आपके फॉर्मूला टैब में जाके डिफाइन नेम सेक्शन के अंदर में आप नाम डिफाइन कर सकते हैं, और भी मैंने दो तीन तरीके बताए थे कि किस तरीके से आप नाम यहाँ पे बना सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक यहाँ पे आई बटन में है और डिस्क्रिप्शन में भी है, आप जाके वो डिटेल में देख सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पे इन रेंज को सिलेक्ट कर रहा हूँ। पहले मैंने माउस से सिलेक्ट किया और दूसरा मैं कर्सर कंट्रोल दबाने के बाद फिर से माउस से कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे रेंज सेलेक्ट हो गए। अब अगर आप देखेंगे फॉर्मूला टैब में नेम मैनेजर के अंदर, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। मैं यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन को चूज करूंगा। ठीक है, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मुझे टॉप रो को नेम बनाना है। ठीक है, मैं ओके कर देता हूँ, बाकी मुझे कोई भी सेटिंग छेड़ने की जरूरत नहीं है, मैंने टॉप रो को कर दिया। तो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पे चार जो नाम है वो बन के आ गए हैं, और जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे ऑप्शन भी चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट टास्क होने वाला है, जो यहाँ पे स्टेट सिलेक्टेड है उसके सिटीज को यहाँ पे दिखाना। ठीक है, एक बार ही पहले मैं फॉर्मूला वैसे ही लगा के देख लेता हूँ और बाद में हम डेटा वैलिडेशन के अंदर जाएंगे, ये टेस्ट करने का सबसे आसान तरीका है। ठीक है, फॉर्मूला रहेगा इनडायरेक्ट, ठीक है, इक्वल टू इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट में रेफरेंस टेक्स्ट क्या होने वाला है, तो रेफरेंस में जो हमारी सामने की वैल्यू होगी इसको लेंगे। और यहाँ पे मैं रिलेटिव रेंज ले रहा हूँ, मैं एब्सोल्यूट नहीं कर रहा हूँ। T2 जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी डॉलर सिंबल नहीं है। ठीक है, एंटर करते हैं तो जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे मध्य प्रदेश करने पे सिर्फ मध्य प्रदेश के सिटीज की लिस्ट आ गई, और अगर मैं इसी तरीके से यहाँ पे चेंज करता हूँ उत्तर प्रदेश करता हूँ तो उत्तर प्रदेश की सिटीज की लिस्ट आ जाएगी, और इसी तरीके से अगर दूसरा स्टेट हमने लिया तो ये लिस्ट अपने आप ही छोटी हो जाएगी, मतलब ये फिल होके आ रहा है आपका डेटा। तो अब फॉर्मूला कॉपी करने का तरीका आपको पता है, आप रेंज में जाके जैसे जहाँ पे भी फॉर्मूला हाईलाइट हो रहा होगा आप फॉर्मूला बार में जाके कॉपी कर सकते हैं फॉर्मूले को। ठीक है, अगर आप टाइप करना चाहें तो डेटा वैलिडेशन के फॉर्म में जाके भी हम टाइप कर पाएंगे। तो चलिए इसमें ड्रॉप डाउन लगाते हैं, मैं इसको लिखे हुए फॉर्मूले को क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, उसके लिए हम वापस डाटा टैब में जाएंगे
और डेटा टूल्स के अंदर डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पे हम लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। लिस्ट में जो सोर्स होने वाला है, जैसे कि अभी हमने देखा कि यहाँ पे सोर्स में हमें क्या लिखना था, जो T2 में है उसका इनडायरेक्ट देके यहाँ पे हमें लेके आना था, ठीक है। तो इक्वल टू इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट के अंदर क्या होने वाला है, किसका इनडायरेक्ट, इसका इनडायरेक्ट। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे टी और टू दोनों के आगे डॉलर लगा हुआ है, मतलब ये एब्सोल्यूट होके फिक्स होके आ रहा है, तो हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हमें यहाँ पे डॉलर जो टू में है, टू में से हम डॉलर को हटा देंगे, तो उससे क्या होगा कि जैसे T2 में डेटा है तो U2 में तो वैलिडेशन काम करेगी ही, लेकिन जैसे T3 में जाएगा, अगर आप यहाँ पे T2 कर दोगे तो वहां पे भी वो महाराष्ट्र के ही जो सिटीज हैं वो लेके आएगा, अभी के एग्जांपल के हिसाब से। एक बार करके देख लेते हैं तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, अगर आप ऐसा चाहते हैं, ठीक है। और क्लोज किया हमने फंक्शन को, एंटर किया। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैं इस रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको एक कलर कोडिंग दे देते हैं अलग से, तो महाराष्ट्र सिलेक्ट हो रखा है। और नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे महाराष्ट्र की कोई सिटी आ रही है। अब अगर मैं इसी फॉर्मूले को, जैसे इससे पहले मैंने कॉपी करके पेस्ट किया, ठीक है, इसको कॉपी किया मैंने और पेस्ट स्पेशल में जाके, ठीक है, पेस्ट स्पेशल और सिर्फ वैलिडेशन, ओके। तो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हर जगह मुझे यही दिखा रहा है। मैं यहाँ पे कोई चेंज भी कर लेता हूँ तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो अब ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने जो डाटा में जो इसके लिए रेंज दिया था, हमने टी को भी एब्सोल्यूट कर दिया और टू को भी एब्सोल्यूट कर दिया, जबकि हमें क्या करना था, टी वाला कॉलम ठीक है, हमें समझ में आ रहा है, लेकिन टू को हमें फिक्स नहीं करना था, ताकि वो जैसे जैसे नीचे आता जाए वैसे ही ये अपना रिलेटिव हिसाब से उसी सेल के अकॉर्डिंग ही डेटा लेके आए। तो इसके लिए वापस जाते हैं डेटा वैलिडेशन में, ठीक है, फॉर्मूला खोलते हैं और यहाँ पे टू के आगे का डॉलर हटा देते हैं। अब टी जो है, मतलब कॉलम हमारी फिक्स है, लेकिन रो जो है वो फिक्स नहीं है, ओके करते हैं। और इसी फॉर्मूले को कॉपी करके, या इसी सेल को कॉपी करके, बाकी जहाँ पे डेटा वैलिडेशन हमने पेस्ट किया था, मैं दोबारा पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर आप चेक करेंगे तो उत्तर प्रदेश के यहाँ पे आपको लखनऊ या दूसरा सिटी दिख रहा है, और उसी तरीके से अगर आप बीच में कहीं पे आके मध्य प्रदेश करते हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ मध्य प्रदेश के सिटीज मिलेंगे, ना कि आपको कहीं से भी कोई भी उठा के डेटा यहाँ पे लेके आएगा। तो ये हुआ आपका इनडायरेक्ट मेथड की तरीके से नेम मैनेजर को यूज करते हुए डिपेंडेंट ड्रॉपडाउन कैसे लगाना है, या मल्टी लेवल ड्रॉपडाउन कैसे लगाना है। यहाँ पे आपने देखा कि स्टेट नेम के बेसिस पे सिटी नेम हमने फिल्टर करके लगाया, यहाँ पे कोई भी गलती के चांसेस यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। अगर आप मास्टर डेटा सही तरीके से बना के रखते हैं तो आपका यूजर के साथ जो डेटा के एंट्री में गड़बड़ करने के चांसेस जो हैं वो यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी और आपके समझ में आई होगी। वीडियो को प्रैक्टिस करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके कुछ अनुभव हैं तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।